हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ। मैं लेकर आई हूँ स्पेशल रेसिपी, अरबी के पत्तों की सब्जी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 4 से 5 अरबी के पत्ते लिए हैं। अब ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये 1 कटोरी बेसन है। अब इसे हम पानी डाल के घोल बना लेंगे। कुकर में पानी हमने स्टीम के लिए रखा है। अब ये इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ना हम इसे गाढ़ा रखेंगे ना इसे पतला रखेंगे, हम मीडियम रखेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अभी हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसे हम पत्तों पे लगा लेंगे। अब इसे हम पैक कर देंगे और स्टिक की मदद से भी आप इसे पैक कर सकते हैं। ये हमारे पत्ते रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम स्टीम के लिए एक बाउल में रख देंगे। हमने इन्हें कुकर में 1 सीटी ली है। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए आप स्टीम भी कर सकते हैं। और इसमें हमने 5 से 6 कली लहसुन के लिए है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ली है। हमने 4 से 5 लाल मिर्च ली है। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये कढ़ाई ले ली, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आधा चम्मच इसमें राई डाली है, आधा चम्मच मेथी दाना डाला है, ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है हमने इसमें, और थोड़ा जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम मसाले का पेस्ट डाल देंगे। अब ये हमारा मसाला भुन रहा है। अब इसमें हम दूसरे मसाले भी ऐड कर देंगे। ये हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़े लाल मिर्च पाउडर। अभी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा नमक ऐड किया है। अब इधर हमारे पत्ते भी स्टीम हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमारे पत्ते हम एक चाकू की मदद से काट लेंगे। ये हमने गरम गरम काट लिए हैं। आप इन्हें ठंडा करके भी काट सकते हैं। ये हमारे कटे हुए पत्ते रेडी हैं। अब इसे हम हमारे मसाले में ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे और अच्छे से हम चला लेंगे और ये पत्ते इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे अरबी के पत्तों की सब्जी रेडी है। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ढकना है। अब ये हमारी पत्तों की सब्जी तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। ये सब्जी इतनी हेल्दी है, आप इसे नाश्ते या फिर रोटी के साथ भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी? आप भी ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।